सो गाइज आ चुके हैं बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ। इन आज की इस वीडियो में आप लोग का डेस्क बताने वाला है, जो भी आप लोग का पिरसट वगैरह झंझट होता है ना, कॉपी पेस्ट करे यार डेस्क भाई मेरे में नहीं होता है, भाई मेरे में नहीं होता है। सो दोस्तों अगर आप लोग आज का वीडियो बिना स्किप के फुल वॉच कर लेंगे तो आप लोग को पिरसट का काम ही नहीं है। एंड आप लोग को मैं ऐसा वन क्लिक में सेटिंग बताऊंगा जो ऑटोमेटिक आप लोग का फोटो एडिटिंग हो जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सिखाएंगे आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। तो चलेगा बिना देर के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आज आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। आप लोग थंबनेल देख करके पहचान ही गए होंगे। सो दोस्तों इस टाइप का एडिटिंग मैं यूट्यूब पे पहली बार अपलोड कर रहे हैं वीडियो एंड आप लोग कहते हैं आर्टिक्स भाई आप फुल फोटो एडिटिंग नहीं कर पाते हो, फुल फोटो एडिटिंग नहीं कर पाते हो। सो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे तो वन क्लिक में कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप लोग करना सीख जाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को लाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ले चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं लेके आता हूँ आप लोग को ऑल फोटोज में। एंड आप लोग क्या करते हैं, ये मेरा प्रीसेट है ठीक है मेरे भाई। आप लोग कहते हैं आर्टिक्स भाई आपका प्रीसेट मिलता नहीं है, मैं प्रीसेट को कहाँ से डाउनलोड करूँ। सिंपली यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ से सही कर लेते हैं, बैक आ जाते हैं एंड फिर से हम लोग ओरिजिनल फोटो पे क्लिक कर लेते हैं। सो दोस्तों ओरिजिनल फोटो पे क्लिक करने में सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देते हैं। सो दोस्तों जैसे हम लोग पेस्ट करते हैं तो हम लोग का वन क्लिक में एडिटिंग हो जाता है। सो दोस्तों मैं आज आप लोग को इस तरीके से नहीं बताने वाला हूँ। सो दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोग को बताऊंगा वन क्लिक में आप लोग कैसे कर पाएंगे एंड कुछ अलग आप लोग कैसे एडिटिंग कर पाएंगे आप लोग अपने फोटो के हिसाब से। सो दोस्तों सबसे पहले हम गैलरी ओपन कर लेते हैं एंड अपने फोटो को शेयर कर लेंगे स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों पूरा वीडियो आज कीजिए आप लोग को बता देंगे जो मैं वन क्लिक में एडिट किया हूँ आप लोग को कहाँ पे मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, वहाँ से आप लोग को नहीं डाउनलोड करना है, वहाँ पर आप लोग को मिलेगा ही नहीं। सो दोस्तों सिंपली आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा, बिना स्किप किए वीडियो बने रहिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे एंड सीख पाएंगे मेरे जैसा एडिटिंग। सो दोस्तों स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने बाद सिंपली आप लोग को डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोग माइनस कर लीजिएगा तो -80 कर दे रहे हैं एंड शॉर्पनिंग को थोड़ा सा आप लोग को बढ़ा लेना होगा तो 42 प्लस कर दे रहे हैं। सो दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से हम लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाएंगे एंड HDR स्केप होगा, सिंपली आप लोग HDR स्केप पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से देखिए FINE होगा ठीक है। सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। सो दोस्तों जैसे आप लोग डन करेंगे तो आप लोग का पूरा शेडो आ जाएगा ठीक है, फेस के ऊपर, हेयर के ऊपर एंड कपड़े के ऊपर एंड बैकग्राउंड के ऊपर। शेडो आने के बाद सिंपली आप फिर से टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा ट्यून इमेज पे एंड सिंपली आप लोग इसका एम्बियंस थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं आप लोग 100 प्लस कर लीजिएगा एंड हाइलाइट्स को 0 कर लीजिएगा, 100 माइनस ठीक है मेरे जान। एंड यहाँ से शेडो को आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। सो दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, देखिए फोटो में कितना ज़्यादा डिफरेंस है बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इतना करना फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। सो दोस्तों टूल्स वाले आइकन पे आने में सिंपली आप लोग क्लिक कर देना होगा टोटल कंट्रास्ट पे। सो गाइस टोटल कंट्रास्ट पे क्लिक करने में सिंपली हाई टोन को आप लोग को 100 कर देना होगा, मीडियम टोन को भी 100 कर देना होगा, लो टोन को भी 100 कर देना होगा, प्रोटेक्ट शैडो को भी आप लोग को 100 कर देना होगा, प्रोटेक्ट हाइलाइट्स को भी आप लोग को 100 कर लेना होगा। सो गाइस जितना करने वह सिंपली यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा। सो दोस्तों डन करने में देखिए आपको दिखाते हैं फोटो में क्वालिटी आप लोग देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर, एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इतना करना सिंपल आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइटर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड मैं आप लोग को पूरा प्रूफ दिखाऊंगा एडिटिंग मैं कैसे कैसे करता हूँ अपना फुल फोटो। सो दोस्तों अगर आप लोग को सीखना होगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। सो दोस्तों हम लोग का लाइटर मोबाइल एप्लीकेशन ओपन हो चुका है एंड सिंपल आप फोटो को शेयर कर लेंगे एंड ऊपर से जैसे आप लोग खींचेंगे ना तो देखिएगा शेयर हो रहा होगा फोटो। तो सिंपली हम ज़्यादा MB में फोटो एडिटिंग किए हैं स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर तो हम लोग का फोटो शेयर हो चुका है एंड सिंपली हम लोग ऑल फोटोज में आ जाएंगे एंड हम लोग का यही ना प्रीसेट है जो मैं पहले आप लोग को बताऊं कैसे वन क्लिक में एडिटिंग करना है। तो सिंपली शेयर बल में 3 डॉट बिंदु होगा उस पर क्लिक कर देंगे, कॉपी सेटिंग कर देंगे, टूल्स को सही कर देंगे, ज्योमेट्री को एंड यहाँ से डन करके हम लोग बैक आ जाएंगे एंड जिस फोटो को हम लोग शेयर किए हैं आप लोग भी शेयर किए होंगे सिंपली उस फोटो पे क्लिक कर लीजिएगा, शेयर के बगल में 3 डॉट बिंदु होगा उस पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ से आप लोग जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आप लोग का फोटो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है। तो आप लोग कहते हैं आर्टिक्स भाई कि मेरे आपका प्रीसेट मेरे फ़ोन के अंदर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। सो दोस्तों कैसे काम करेगा, जैसे मैं इस तरीके से एडिट किया हूँ तो नहीं काम करेगा ना, तो सिंपली हम लोग बैक आ जाते हैं। सो दोस्तों बैक आने के बाद सिंपली हम लोग प्रीसेट नहीं यूज करने वाले हैं ठीक है मेरे जान। सो दोस्तों सबसे पहले आप लोग आ जाइएगा कलर वाले ऑप्शन पे, मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड सेकंड नंबर पे क्लिक करके पहले हम लोग फेस को अपने व्हाइट करेंगे, हल्का सा व्हाइट करेंगे ठीक है। दोस्तों इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। सो दोस्तों सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पे आने सिंपली हम लोग प्लस वाले आइकन पे आ जाना होगा, प्लस वाले आइकन पे आने ब्रश पे क्लिक कर देंगे, छोटा सा बिंदु होगा उस पर क्लिक कर देंगे एंड अगर आप लोग का काम नहीं करता है फोन के अंदर ये वाला जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ पूरा वीडियो आज के फ्रेंड तभी आप लोग जान पाएंगे कहाँ से इसको डाउनलोड करना है।
तो कुछ इस तरीके से आप लोग ब्रश को ना अपने बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। सो दोस्तों जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सो दोस्तों इतना करना, सिंपली आप लोग यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग आ जाइएगा, देखिएगा कलर वाला ऑप्शन होगा एंड यहाँ से आप लोग ना कोई सा भी कलर, जितना आप लोग कलर चाहते होंगे। अगर आप लोग का प्रीसेट काम नहीं करता आप लोग के फ़ोन के अंदर, तो जितना आप लोग प्रीसेट जितना आप लोग कलर चाहते होंगे यहीं से आप लोग अच्छे से कलर अप्लाई कर सकते हैं एंड आप लोग को कोई सा भी प्रीसेट का काम नहीं होगा। एंड आप लोग फेस बनाना नहीं चाहते तो मैं अपने यूट्यूब चैनल बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, जाकर के इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे बिना स्किप किए, तो आप लोग मेरे जैसा फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए हाथ के बगल में, यहाँ से कोई सा भी आप लोग कलर अप्लाई कर लीजिए, अच्छा वाला अप्लाई कीजिएगा ताकि आप लोग के फोटो में एक गजब का लुक आए। सो दोस्तों इतना कर लेंगे ना, मैं आप लोग को एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है ना जान। इतना करना, सिंपली यहाँ से आप लोग को ह्यू यहाँ से बढ़ा लेना होगा, ठीक है, यहाँ से आप लोग डन कर देंगे। डन करने फिर से आप लोग कलर लोशन पे आ जाएंगे, मिक्स पे क्लिक कर देंगे एंड यहीं से इसका भी आप लोग कलर अप्लाई चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से डार्क कर सकते हैं एंड ब्लू कर सकते हैं एंड आप लोग अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पे लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे बच गया तो फिर से आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा, फिर से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, प्लस पे क्लिक कर दें, ब्रश पे छोटा सा बिंदु होगा उस पर क्लिक करके आप लोग हल्के से फोटो को जूम कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरीके जूम करने बाद अप्लाई कीजिएगा, फिर से कलर वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड यहीं से आप लोग देखिए कितना बवाल तरीके से एडिटिंग कर पाएंगे। सो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग राइटर से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप लोग को फेस बनाने नहीं आता है तो ऊपर दो वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो को अगर आप लोग बिना स्किप के फुल वॉच कर लेंगे तो आप लोग मेरे जैसा फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे जान। मिलते किस नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फुल एचडी एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।